नमस्ते एंड वेलकम टू रिधिमास किचन। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ दही के छोले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल बटन, इट्स फ्री। तो दही के छोले बनाने के लिए सबसे पहले हमने हंकर ले लिया है। ये 1 किलो दही को हमने रात भर हैंग करके रखा था, सुबह थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया। और अब इसका टेक्सचर काफ़ी थिक हो चुका है, आप देख सकते हैं क्रीमी भी है बट काफ़ी थिक हो चुका है। उसके बाद थोड़ा सा प्याज लिया है, ये 1 मीडियम साइज़ का प्याज है। और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 2 हरी मिर्च लिया मैंने, आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट 1 से 2 जितना भी आप यूज़ करना चाहें। थोड़ी सी हम जो है काली मिर्च यूज़ करेंगे, थोड़ा सा नमक यूज़ करेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं और चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं एज़ पर योर टेस्ट। उसके बाद 3 से 4 स्लाइसेस ब्रेड के ले लिए हैं। सबसे पहले हमने हंकर ले लिया है, इसमें हम सबसे पहले प्याज डाल देंगे, कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, कटा हरा धनिया डाल देंगे, नमक डाल देंगे, नमक डाल लें और इसको कोशिश करें कि बिल्कुल बनाने से एकदम पहले ही डालें, क्योंकि नमक से दही अपना पानी रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद लास्ट में जाएगा काली मिर्च और गरम मसाला। आप इसमें चाहें तो पनीर भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक ब्रेड लेंगे और एक बेलन लेंगे और बेलन की हेल्प से हम इसको ऐसे फ्लैट कर देंगे, इसको साइड पे रख देंगे। ब्रेड्स अपनी ऐसे ही फ्लैट कर लेंगे। सबसे पहले हम एक पन्नी ले लेंगे और उसके अंदर अपना ब्रेड रख लेंगे। आप चाहें तो ऐसी जो साइड से निकल रही हैं उसको निकाल भी सकते हैं और चाकू से वैसे भी हटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर थोड़ा सा, एक आप कटोरी में पहले पानी ले लीजिएगा और इस पर ऐसे पानी डाल देंगे ताकि ब्रेड जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी और हमें ब्रेड के साथ काम करना इजी हो जाएगा। अब हम इस पे जो हमने मिक्सचर बनाया था ना उसको डाल देंगे। वो ज़्यादा मिक्सचर नहीं डालना है, मतलब भर भर के नहीं डालना है, ऐसा हम शेप दे देंगे। और अब इसके लिए एक टेक्निक यूज करनी है, इसको अच्छे से ऐसे करना है हमें। थोड़ा सा उसको सील करने के लिए पानी का हेल्प ले सकते हैं आप। अब पन्नी लेंगे और इसको अच्छे से इसमें रैप करके इसको ऐसे कर देंगे ताकि वो इसका शेप रिटेन कर लेगा। जो मार्केट में दही के छोले मिलते हैं ना वैसा ही इसका शेप आएगा। ऐसे ही हम अगला भी तैयार कर लेंगे। एक बार और आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी डालेंगे, कॉर्नर्स पे थोड़ा ज़्यादा डालना है, कॉर्नर्स के साथ ज़्यादा काम करना है। ऐसे पानी डालेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर डालेंगे। अच्छा एक टिप है इसमें कि आप जो है मार्केट वाला दही यूज़ करें, वो थोड़ा गाढ़ा भी रहता है। घर वाले दही को जो है अगर हम हैंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है, वो इतना गाढ़ा नहीं रहेगा। अगर आपको गाढ़ा दही घर पर जमाना आता तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, बट मैंने यहाँ पे जो है मार्केट वाला दही लिया। इसके कॉर्नर्स को बहुत अच्छे से ऐसे प्रेस कर देंगे। अच्छे से, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बट हाँ मेक श्योर कि अच्छे से इसके साइड्स जो हैं वो सील हो जाएं। सबसे पहले एक बड़ी कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। गैस को हमें रखना है मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसको बहुत ही ध्यान से ड्रॉप करेंगे तेल के अंदर। ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है इसको हमें, क्योंकि इसके खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रह जाएंगे। हम इसका साइड चेंज कर देंगे।
इस पॉइंट पे जो है हम अपने रोल्स को तेल से निकाल लेंगे। अब इनको मार्केट स्टाइल दही चटनी के साथ सर्व कर देंगे। मार्केट स्टाइल दही चटनी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। दही छोले सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।